तो फ्रेंड्स यहाँ पे मीशो से मैंने मंगाया हुआ था कंटेनर 4 का, जो भी आपने स्टार्टिंग में देखा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बहुत अच्छा है, ज़रूर कीजिएगा, कोड आपको स्क्रीन पर है। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शमा। तो अभी है जोहर का टाइम, नमाज़ हो चुकी है हमारी और हमें किचन में खाना पीना हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने व्लॉग में आपने देखा मैंने मंगाया है ये मीशो से, बहुत ही ये जो एक डब्बे में 4 का कंटेनर होता है ना वो वाला मैंने मंगाया, ये देखिए 250 रुपये में ऑफर में था, तो 240 रुपये में ये 2 का सेट मिला है हमें। मुझे देख सकता इतनी अच्छी क्वालिटी में आएगा ये तो नहीं मालूम था, और इतना बड़ा आएगा ये भी नहीं था, मैंने सोचा था ना ये इतना बड़ा आएगा जितना नीचे वाला इतना बड़ा आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा आया, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें आधा किलो सामान पूरा आ जाता है, मैंने अभी इसमें आधा किलो मूँगफली का डब्बा मतलब खुल के भरा हुआ है, तो ये पूरा आ गया, अभी इसमें फिल करेंगे बाद में तो घटेगा। तो इसका कोड आपको ये स्क्रीन पे चल रहा है, उससे आप मंगा सकते हैं। और खाना खा लिया, बर्तन नहीं धुला है अभी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अभी दिखाती हूँ बैक। यहाँ पे ना महारानी चिकन, महारानी जो मैंने बनाया था कल जुमा वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो उसका सालन बच गया था, सालन मैंने सोचा ना इसमें चावल डाल के बना दो खाने के बाद में, अभी दोपहर का खाने के बाद में बच गया, तो मैंने कहा थोड़ा बना देती हूँ, ऐसा तो अच्छा लगता है, इतना खाली करके रखना भी नहीं समझ में आ रहा था, वेस्ट भी नहीं करना समझ आ रहा था। और आज जो शाम को हम बनाने वाले हैं वेज मोमो, तो यहाँ के लिए सोयाबीन थोड़ा सा मैंने भिगो दिया है ठंडे पानी में, आधा घंटा भिगो रहेगा, आज आराम से हो जाएगा, जल्दी है तो गर्म कर ले। और यहाँ पर गाजर रखी हुई है, कल मुझे बनाना था, कल जुमा था, कल मुझे बनाना था इसका हलवा, तो नहीं हो पाया था, अभी इसको जा रहे कद्दूकस करेंगे और बनाएंगे। तो चलो देखिए गाजर कद्दूकस कर लेते, एक तो बचा लेंगे उसमें डालने के लिए मोमो में, तो ये छोटी सी है तो ज़्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा ही ठीक है, तो ये बचा लेते हैं और बाकी गाजरों को कद्दूकस कर लेते हैं। उसमें चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह वाले का ना ऐसा लगता है ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और बनेगा कुकर, नया कुकर तो पुराना, बेल्ट नया है, तो इसलिए उसमें पहले गाजर का हलवा बनेगा। अब व्लॉग वो वाला आ चुका है डालीगंज शॉपिंग व्लॉग, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा सामान इस बार मिल रहा है और ज़्यादा स्टॉल लग गया है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें कॉस्टली लगी हैं, लेकिन क्रॉकरी के लिए तो डालीगंज मेला फेमस है, तो क्रॉकरी आपको अच्छी मिल रही है। सबसे अच्छा मुझे प्लेटर लगा था, और अभी हम लोग को एक चीज़ और लेनी है उसमें से, बिरयानी सर्विंग बोल, बड़ा बड़ा बिरयानी 100 रुपीज़ का। अच्छा बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मेले में तो एग्जीबिशन में तो कोई बार्गेनिंग नहीं होती, लेकिन इस बार है 100 वाली चीज़ आराम से 80 का दे रहे हैं, सिंगल पीस ले रहे हो तो, अगर 2-3 पीस आप ले रहे हैं तो 70 की दे रहे हो, तो 2 पीस तो लेना पड़ेगा फिर, 150-140 में 2 पीस दे रहे हैं। गाजर का हलवा जितना टेस्टी होता है ना, मेहनत इतनी, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है। और मीठा खाने का भी मन कर रहा, कल से ही मीठा खाने का मन कर रहा, और मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी, और ठंड इतनी ज़्यादा है, गलन बहुत। और मेरी वीडियो को आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें कैसा लगता है, और कमेंट तो ज़रूर किया करें, लाइक भी कर दिया करें प्लीज़, उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपीज भी देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में। अस्सलाम क्या बने तो दिस इज कैरेट ग्रेट, दिस इज ग्रेट ग्रेटर, अभी अभी बनेगा हलवा, तब हम खाएंगे। नो क्यूट थॉमस, वेरी क्यूट थॉमस, नो नो बेबी हैंड, वो ओ बोबो हो जाएगा, बोबो बेबी हैंड में बोबो हो जाएगा, नो लीजिए, यामी यामी कैरेट, ये यार हम कैरेट खा रहे हैं, यम्मी कैरेट, यम्मी। 2 बज रहा है अभी, फट से 2 घंटे में इस सिर की आराम हो जाएगी, और कपड़ा निकाल के रखे काटने के लिए, भी बहुत हैवी है, क्या हुआ पाप,
नहीं, आप अपना बाइल लाइए। आपने मोबाइल खराब कर दिया, एकदम डेड कर दिए और चार्ज भी नहीं उठा रहे, उसको भी दिखाना है। आपका क्यूट थॉमस वेट कर रहा है। नहीं हलवा नहीं खाना, हलवा नहीं खाना। हाँ मम्मा बोबो, मम्मा बोबो, मम्मा बोबो हो गया। ये देखो मेडिसिन लाइए, मेडिसिन लाइए जल्दी से। दवा दवा दवा, अरहम दवा, अरहम जल्दी दवा। नो नहीं, दवा ये नहीं है, फ्रिज में दवा होती है, उसको वापस रख के दवा लाइए। नहीं दवा नहीं है ये, पहले सब उठा के रखिए। इंडिया फ्रिज बंद है, लाइए कॉटन। अरे हम कॉटन, नो नो नो, अभी शाम को बनेगा मोमो, तब आप खाइएगा, ठीक है? नो कॉटन नहीं, जिसपे आपको दवा लगाई जाती है, जो कॉटन पे वाइट वाइट, वो वाला कॉटन लाइए। ग्लिसरीन ला के कह रहे हैं कॉटन। थॉमस से पूछ के आइए कॉटन कहाँ है। अरे थॉमस से पूछिए कॉटन कहाँ है। सारी बात इंग्लिश वर्ड बोलेंगे अरे हम, लेकिन बिग को बड़ा बड़ा ही बोलना है, उसको छोटा, स्मॉल को छोटा छोटा ही बोलना है। नहीं जाइए कॉटन ले आइए, डोंट टच कॉटन ले आइए। मम्मा को बोबो देखिए, बोबो ये है ना, इतना सारा बोबो हुआ है। मम्मा पेन हो रहा, बोबो मम्मा बोबो पे। ये मेरा पुराना वाला कुकर है जिसका नया बिल्टा है, इसलिए उसमें बनेगा। डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर पूछिए, डॉक्टर को फोन किया हमने। इंजेक्शन डॉक्टर को फोन करके कहिए, आइए डॉक्टर, फोन कीजिए डॉक्टर को। डॉक्टर कमिंग, डॉक्टर मम्मा बोबो पेन हो गया। मम्मा 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 बोबो मम्मा बाबा, घी ले लेते हैं। लास्ट टाइम बनाया था तो बहुत ज्यादा कुरकुरा बन गया था न्यू ईयर पे, इस बार घी भी कम डालेंगे। नो नो मम्मा न्यू पी, नो इंजेक्शन, नो इंजेक्शन, नो इंजेक्शन। कॉटन लाइए, कॉटन में डिप करके लगाएंगे बोबो पे। बोबो मम्मा बाबा, मम्मा बाबा, कॉटन ले आइए। नीने से पूछिए कॉटन, वेयर इज कॉटन। इसमें स्पून है लेकिन वो जम गया इतना। ढूंढिए ढूंढिए कॉटन, मम्मा पेन बाबा। नहीं मम्मा नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। नो नो मम्मा, नो डॉक्टर, मम्मा नो डॉक्टर। रोबोट जाइए, रोबोट ले आइए, तब रोबोट के साथ मम्मा चलेंगे डॉक्टर के पास। हाँ नहीं मम्मा, पहले आप बूम बूम लाइए। डैडी तो, डैडी का बूम बूम लाइए तो मम्मा चलेंगी। नो बूम बूम, नो डॉक्टर। तो इसमें ही इलायची पाउडर डालेंगे, खड़ी इलायची नहीं डाल रहे, पाउडर डाल रहे। उसके बाद डाल देंगे कैरेट, थोड़ा सा इसको ना ऐसे चला देते, अगर घी कम लगेगा तो जब ये गल जाएगा, जब कुकर ओपन होगा भुनेंगे ना तब डाल देंगे।
लेकिन इस बार अभी ज्यादा नहीं डालेंगे, पिछली बार घी बहुत ज्यादा हो गया था। कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी नहीं अच्छी होती है। नो बुम, अब इसमें डालेंगे घर की मलाई, खोआ भी डाल देते हैं, बस जल्दी अगर तुरंत बनाना हो तो इसमें मलाई भी डाले, बहुत ही अमीर टेस्ट आता है, तो मलाई लेते हैं। और इसी का हम मलाई का ही दूध डालेंगे। अंडा अभी आपने खाया था बेटा, अंडा चाहिए। अच्छा अभी दे रहे, अभी दे रहे। अभी गाजर भी अपना जो वाटर है वो रिड्यूस करेगा। डैडी पाई अंडा सारा गिर जा रहा है। ये भी मैंने मंगाया था मीशो से ही, ये डबल लेयर है, एक रखा हुआ अंदर डबल लेयर है, तो इसी तरह से एक और नीचे का डब्बा, तो लॉकिंग सिस्टम अच्छा। चीनी डाल, चाय का मन हो रहा है बहुत तेज तेज से, तो इसमें अब हम चीनी डालेंगे नाप के, ये छोटा वाला है इससे ज़्यादा मीठा नहीं करना है, और मेरे ख्याल से एक ग्लास हल्का होगा तो सवा ग्लास डाल देते हैं बस। मम्मी और हम के लिए स्वेटर बनाएंगे, सब चीज एक साथ डाल के इसमें, मिक्स कर देंगे बढ़िया। अब इसको ना बंद करेंगे, मैं बेटा मेरे लिए दवा ले आया। अभी असर की नमाज पढ़ लिया और मैंने यहाँ मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया, और हम फोन ले लिए तो उसमें पूरा शूट नहीं हुआ लेकिन बन गया, और उसके साथ साथ क्या बना के मैंने रखा है भी प्रिपरेशन करके वो दिखाते हैं। मेरा हलवा देखिए बन गया, इसको फिर अच्छे से भुनने के बाद में ना फिर घी और ड्राई फ्रूट्स से तड़का मार दिया, और इसमें जो इलायची पाउडर एक्स्ट्रा डाली, ये निकाला था ठंडा होने के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बहुत ही मैजिक काम किया, मैंने यहाँ मोमो का आटा लगा दिया था नमाज पढ़ने जाने से पहले, ठीक है। और ये मेरा शहजादा आ गया, टिबिक टिबिक करते। और यहाँ पे मैंने मोमो का जो बैटर है इसमें नमक और ब्लैक पेपर बस मिलाया है, वो करके अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि अभी इसका पानी ना ऐसे निचोड़ के निकालना है, साइड करना है, नहीं तो पिचिट पिचिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, गाजर है, पत्ता गोभी है, प्याज है, और आपका ये अदरक है, लहसुन है, बस इसको अच्छे से चॉप कर लिया था, सोयाबीन है, ठीक है, क्योंकि मम्मी को सोयाबीन वाला पसंद है। और चटनी के लिए मैंने यहाँ पे देखिए मोमो की चटनी के लिए यहाँ पे टमाटर और हरी लाल मिर्ची को बॉईल कर लिया था, फिर इसको ग्राइंड कर लिया, अभी इसको इसमें ना तड़का मारेंगे, ठीक है। और ये देखिए मेरा हलवा इज़ रेडी, साथ में इतना बर्तन भी इज़ रेडी। तो तड़का इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें मोमो स्टीम करने के लिए रखेंगे, तो तड़का जो लगेगा भाई साहब वो लगेगा इस कढ़ाई में, लगा देते हैं, फिर निकालना है, फिर धोना ही है, तो इसमें लगाएंगे। तो चलिए अभी यार हम भूल गए मोबाइल, तो पहले चटनी रेडी कर लेते हैं उसके बाद मोमो बनाए। तो सबसे पहले इसको सही कर लेते हैं बैटर, तो इसको फिर से ऐसे ना मिक्स कर लेते हैं, नमक और ब्लैक, इसमें हरी मिर्चा भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैंने ब्लैक पेपर थोड़ा सा बस डाला है, इसको ना देखिए पानी निकल रहा है ना, तो ये निकालना है बेसिकली, इसको निकालना है नहीं तो ना पूरा खराब हो जाएगा। तो गैस ऑन कर दिया, उसमें डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल, और इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन, सबसे पहले छोटी छोटी काट लेते हैं, ये जाएगा, इससे बेहतर है ना, इस
इससे बेहतर है कि आप ग्रेट कर लें, ज़्यादा सही है, जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल्का सा खाली इतना सॉफ्ट हो जाएगा, ब्राउन नहीं करना है, कलर वलर नहीं चेंज करना है इसका, बस थोड़ा सा इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए बढ़िया। तो ये इसका देखिए इसकी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो टमाटर और लाल मिर्च का है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के निकाल लेंगे क्योंकि अभी इतना ठीक है। फ्लेम बिल्कुल धीमा कर देते हैं। इसमें जाएगा नमक, टोमेटो सॉस और वाइट विनेगर। तो थोड़ा ये कुक होगा तो इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, नमक डाल देते हैं। तो एज़ पर टेस्ट नमक जाएगा क्योंकि इसमें नमक अभी बिल्कुल भी नहीं गया है, ठीक है। और थोड़ी सी यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल रहे हैं, ऑप्शनल है ये, डालना चाहें डालें या ना डालें, ज़रा सा बस इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें टोमेटो सॉस ले आते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे हम फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आना चाहिए, और थोड़ा सा वाइट विनेगर खट्टास के लिए, और सबको बैलेंस करने के लिए टोमेटो केचप। बस हम मिक्स कर देंगे। मार्केट वाले क्या करते हैं ना, इसी में कलर, फूड कलर रेड डाल देते हैं तीखा दिखाने के लिए। तो अगर आपको मार्केट जैसा दिखाना है तो इसमें फूड कलर डाल दें, और ये भी डाल सकते हैं आप कॉर्न फ्लोर। थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा ये अब अच्छे से पक जाए। देखिए कुक हुआ है तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर आपको उसको वो करना है ना थोड़ा, तो एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। नमक कम है तो नमक मैंने डाल दिया, ये कॉर्नफ्लोर का स्लरी डाल देंगे इसमें। आइए एकदम मार्केट वाला हो जाएगा, देखिए गाढ़ा हो गया ना पटाख से, ताकि मोमो में लगे थोड़ा, खूब अच्छा तीखा तीखा बना हुआ है। तो ये मोमो की चटनी रेडी है, और एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में 15 दिन आराम से चला सकते हैं। तो ये रेडी हो गया। क्या क्ले आप लेके तो आए थे रूम में, तो था क्ले, इनका क्ले हर वक्त हो जाता है। तो ये रेडी होगी चटनी, अब इसको अच्छे से लोई बना के थोड़ा छोटा पतला पतला बेल के फिल कर लेंगे। चटनी में एक चीज और ऐड करेंगे, वीबा का वॉक टॉक सेजवान चिली चटनी, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 10 रुपए का रिफिल पैक रहता है, तो थोड़ा सा इसको डालेंगे, ज्यादा नहीं। बेटा ना, इसका ना टेस्ट थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहता है, तो ये तीखा है तो बैलेंस करेगा। टोमेटो सॉस ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, उससे टेस्ट उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये चटनी बिल्कुल रेडी हो गई, फ्लेम बंद हो चुका है, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस लाजवाब चटनी इज रेडी। तो यहाँ पे मैंने लोई छोटी छोटी से काट लिया है, बेटर है। यहाँ पे देखिए दो बना लिया है, अभी बना लेते हैं। ये बेटा भी बना रहा मेरा। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा इतना और बच्चा हुआ है, यहाँ पे इतना मैंने बना लिया है। मगरिब की अजान होगी, चलिए नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे, हैंड वॉश बना लिया, नमाज पढ़ के तब अभी बनाएंगे। अब इसको बंद कर दे किचन, नहीं तो पता चला है हम जाके सारा बना के रख देंगे। यहाँ पे मेरा मोमो बन के रेडी हो गया, ये देखिए, अब मम्मी खा के बताएंगे। अच्छा हुआ है, चटनी मजेदार लग रही है ना, तीखी तीखी है खूब। तो मोमो बन के रेडी हो गया यहाँ पे। कालो लुलु मोमो
गुच्छा है। मेरा जुगाड़ देखिए ऐसे ऐसे करके किया है और बर्तन भी साथ साथ धुल रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे 9:10 हो रहा है, हम लोग का डिनर हो रहा है दाल चावल। और यहाँ पे हमने क्या बनाया बेटा? मैजिक बना दिया गुड्डा। हाँ हाँ जूम दिखा रहे जूम। टूटू आईज है भाई, मैजिक मैजिक। आप दिखाइए, आपको भी ब्लॉग में आना होता है भाई, आप क्रिएटर हैं तो। मम्मी लंच डिनर कर चुकी, आफ्ताब मोमो खाए, पूछ लिया जाए उनसे। और हलवा कच्चा बता रहे हो? कच्चा था लेकिन एक नंबर। कच्चा मार देंगे दिमाग से ज्यादा। नहीं कच्चा नहीं था, अच्छा था, एक नंबर था। पिछली बार इतना भूस दिए थे और इतना घी हो गया था कि कुरकुरा हलवा बन गया। वो और अच्छा लगा था, वो तुम्हारे वो चटनी वाला याद आ गया था। और ये वाला बिल्कुल एकदम वो है, मम्मी कह रही मार्केट से कम नहीं है, कोई कह नहीं पाएगा मार्केट वाला नहीं। और ये बढ़ के सेफ बने हैं। अरे हाँ भूल गया।